खम्मा गणी हुकुम। आप सोच रहे होंगे कि ये राजस्थानी भाषा कहां से आ गई। जब बात राजस्थान की मिट्टी से जुड़े प्लेयर की हो तो फिर कुछ ऐसा ही होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फैंटेसी चैनल पर, और हम बात कर रहे हैं एक उभरते हुए युवा सितारे भारतीय टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई की। बचपन से ही रवि को क्रिकेट का शौक था। उनके पापा से छुप छुप के वो क्रिकेट खेलने जाते थे, पर उनकी माँ ने पूरा साथ दिया और वो अक्सर रवि के साथ बैठकर क्रिकेट मैचेस देखती जब रवि के पापा घर नहीं होते थे। कुछ साल पहले रवि के दोस्त शाहरुख पठान और प्रद्योत सिंह ने एक क्रिकेट एकेडमी बनाने का निर्णय लिया। ज्यादा फिनेंस नहीं था, इसीलिए रवि ने खुद मजदूरी का काम किया, पत्थर तोड़े और सीमेंट उठाया, और इस तरह एकेडमी को बनाया गया। कुछ 6 महीने का समय लगा और एकेडमी पूरी तरह बन गई। यहां से रवि की फॉर्मल क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। शुरुआत में रवि राजस्थान के अंडर 16 और अंडर 19 ट्रायल्स में असफल रहे, लेकिन उनके कोच के कहने पर एक और मौका मिला और इस बार उन्होंने सबको बहुत इंप्रेस किया और अंडर 19 में अपनी जगह बनाई। कुछ ही समय बाद उन्हें राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर के रूप में बॉलिंग करने का मौका मिला, पर तभी उनके क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम्स थे। और फिर क्या, रवि ने क्रिकेट को चुना और जयपुर में ही रुक गए। इसके बाद रवि ने राजस्थान के लिए डेब्यू किया वीनू मानकड़ ट्रॉफी 2019 में, जहां पे उन्होंने 8 विकेट 6 लिस्ट A गेम्स में लिए और 6 विकेट 6 T20 मैचेस में, और फिर उनको इंडिया अंडर 19 साइड के लिए बुलाया गया। बांग्लादेश के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम में चुन लिया गया। और फिर आया 2020 का IPL ऑक्शन, जिसमें वो 20 लाख की बेस प्राइस पर थे और पंजाब ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL 2020 में उन्होंने 14 मैचों में 12 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया, और फिर IPL 2021 में 9 मैचों में 12 विकेट लेकर अपने हुनर को दोबारा बताया। IPL 2022 में नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 4 करोड़ में साइन करके शामिल किया है। हुई ना लखनवी नवाबों वाली बात। उनकी गेंदबाजी को देखते हुए हाल ही में वेस्टइंडीज के विरुद्ध T20 में भारतीय टीम में मौका मिला है, जहां पे वो फिर से जलवे भी खेल रहे हैं। ये थी रवि बिश्नोई, एक उभरते भारतीय क्रिकेटर की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।